डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको डेव सी प्लस प्लस इंस्टॉल करने का तरीका बताऊंगा। डेव सी प्लस प्लस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर प्रोग्राम डेवलप करने का मुकम्मल मौलत है, यानी कंप्लीट आइडिया फॉर विंडोज, जिसके अंदर स्टूडेंट्स अपने सी और सी प्लस प्लस के प्रोग्राम लिख सकते हैं, प्रोग्राम को एडिट कर सकते हैं, प्रोग्राम को सेव वगैरह कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताऊँगा आप लोगों ने इसको कैसे इंस्टॉल करना है। गूगल पर जाएँ, वहाँ पर जाकर डेव सी प्लस प्लस टाइप करें। ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.bloodshed.net, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडोज ही ओपन हो जाएगी जिसके अंदर लिखा होगा, जहाँ से आप डाउनलोड करने की ऑप्शन है। जब मैं मोबाइल से स्क्रॉल ऊपर कर रहा हूँ, आपके कंप्यूटर पे लैपटॉप फॉर्म सामने आ जाइए, देखें ऑप्शन आ गया डाउनलोड ओरिजिनल डेव सी प्लस प्लस 5। तो इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है तो आपकी फाइल जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर से प्रैक्टिकली डाउनलोड करने का तरीका बता रहा हूँ। ये गूगल पर जाकर डेव सी प्लस प्लस लिखेंगे तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये वेबसाइट देखें, डेव सी प्लस प्लस ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो जो उनकी फुल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, और थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे सामने एक ऑप्शन आ जाएगी डाउनलोड करने की ऑप्शन। जब मैं थोड़ा उसको ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये भी आपके सामने ऑप्शन आ जाती है, देखें लिखा डाउनलोड ओरिजिनल डेव सी प्लस प्लस, तो इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो आपकी जो वो फाइल है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। फिर देखें योर डाउनलोड वेट बी स्टार्ट शार्टली, वो डाउनलोड होना शुरू हो गई है, 120 डाउनलोड हो गई है। अब नीचे जो आप फाइल की ऑप्शन नज़र आएगी, आपको इसको नीचे देख सकते हैं, इस फाइल को आप लोगों ने ओपन कर लेना है। ये अभी देखें एक मिनट में सामने आ रही है ये फाइल नीचे, ये देखें ये फाइल है डेव जी एक्सी फाइल, इसको ओपन कर लें। इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी और यहाँ से आपकी यह इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आप लोगों ने यस पे क्लिक करना है, यस पे क्लिक कर दें इसको। आगे नेक्स्ट यहाँ पर ये ओके की ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दें। उसके बाद दोबारा जो ओके इंग्लिश वाली ऑप्शन है इस पर ओके कर दें। आगे आई एग्री पे आप क्लिक कर दें। यहाँ सब को ठीक, सब चीज़ें इंस्टॉल होने दें। इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है आप लोगों ने, नेक्स्ट पर क्लिक कर दें, इंस्टॉल पे क्लिक कर दें तो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। ये इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। आगे यस पे क्लिक कर दें, यानी तमाम यूज़र जो कंप्यूटर को उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यस पे क्लिक करना है आप लोगों ने। आगे फिनिश पे क्लिक कर दें, फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपका जो मेन वो विंडो है डेव सी प्लस प्लस ओपन हो जाएगी। ये देख रहे हैं सामने आप, इसको आप फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें। ये यहाँ पे लास्ट पे एक ऑप्शन आएगी आपके पास, जब नेक्स्ट पे क्लिक करें, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो एक नया इजाफी फीचर, इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इस पर आप लोगों ने नो पे क्लिक करना है, नो आई प्रेफर टू यू डेव सी प्लस विदाउट इट, नो वाली ऑप्शन पे चेक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, उसके बाद ओके कर दें तो आपकी यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन है वो मुकम्मल हो गई है। इसको क्रॉस के निशान से क्लोज कर दें। आप डेव सी प्लस आई डी की मेन विंडो देख रहे हैं, इसके अंदर देखें फाइल की ऑप्शन है, एडिट की, सर्च की, व्यू, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव, बाग टूल्स वगैरह, ये सारी ऑप्शन हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको पहला प्रोग्राम लिखने का तरीका बताऊँगा, उसको सेव कैसे करते हैं, उसको कंपाइल कैसे करना है, फिर उसको रन या एग्जीक्यूट कैसे करना है। इस आईडी को किसी भी क्लास का स्टूडेंट जो सी और सी प्लस प्लस सीखना चाहता है या उसके अंदर प्रोग्राम लिखना चाहता है इस्तेमाल कर सकता है। ये सब के लिए इक्वली यूज़फुल है। अपने कंप्यूटर पे डेव सी प्लस प्लस आईडी को इंस्टॉल कर लें। लर्निंग नेवर एंड्स यूट्यूब चैनल पर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मुफीद प्लेलिस्ट हैं। लर्निंग नेवर एंड्स की प्लेलिस्ट को ओपन करें, अपने पसंद की वीडियोज़ को वॉच करें, एंड फॉर मोर वीडियोज एंड प्लेलिस्ट सब्सक्राइब लर्निंग नेवर एंड्स। Thanks for watching. Be happy and stay blessed.